हेलो एवरीवन, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, अयोध्या में जो मिलता है मंदिर पे लड्डू, वैसे ही लड्डू हमने अपने घर पे बनाकर तैयार किया है। और आप देख सकते हैं हमने शुद्ध देसी घी में इसे बनाया है और बहुत ही कम घी इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है और कितना जूसी, कितना दानेदार है। और जब फटाफट से इन लड्डुओं को हम घर पे ही बना सकते हैं तो मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। आप भी अपने घर पे शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाइए और प्रभु श्री राम को या फिर अपने जो भी आपके इष्ट देवता हैं उन्हें भोग लगाइए। बहुत ही स्वादिष्ट हमने बनाया है आज मूंग दाल के लड्डू, तो आप भी अपने घर पे फ्रेंड्स बनाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कम खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू फ्रेंड्स बनकर तैयार होता है। ये देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रिक्स के साथ आप इसे बनाइएगा। और हमने इसे बनाया है सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही, तो आप भी ज़रूर बनाएं और देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल को भिगो देना है। तो हमने मूंग दाल को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और बहुत अच्छी तरीके से दाल फूल जाती है। और अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करनी है, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे तो बहुत अच्छा इसका लड्डू बनेगा। जो एक एक दाने अलग अलग रहेंगे, बहुत सॉफ्ट रहेंगे, तो आप इसे फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है और इस तरीके से कुछ है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसे नहीं किया है। अब कढ़ाई में हमें 4 से 5 चम्मच घी गर्म कर लेना है और घी में ही हम इसे बनाने वाले हैं। इतने ही घी में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और चाहे जिस भी शेप में इस तरीके से घी में डालकर फ्राई कर लीजिए इसे। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पतला ही बनाइएगा, इससे बहुत अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फटाफट से इस तरीके से हम इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो लड्डू बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, तो मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को फ्रेंड्स तैयार किया है। आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट कर ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से उलट पलट कर बहुत अच्छा सा कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए एक बैच हमने फ्राई कर लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ, घी बिल्कुल भी नहीं लगा इसमें, जितना घी हमने कढ़ाई में डाला था उतना पूरा इसमें बचा हुआ है। और एक बैच का फ्राई भी हो गया है और दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो जितने भी बैच में आए उतनी बार में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो सिर्फ 2 बैच में ही हमने इसे फ्राई कर लिया है, क्योंकि दाल भी हमने थोड़ा सा कम ही भिगोया था, सिर्फ 1 कटोरी दाल भिगोया हुआ था। और इसे भी हम निकाल लेते हैं घी से, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स घी इसमें कितना ढेर सारा देखने में लग रहा है, ज़्यादा घी इसमें नहीं लगता है और शुद्ध देसी घी में बन भी जाता है कम घी में, और बहुत अच्छा ये बनकर तैयार होता है। तो भोग के लिए तो लड्डू हमेशा आप ऐसे ही बनाइए। और ये देखिए, जब पहले हम ठंडा करेंगे इसे और ठंडा करने के बाद ही इसे पीसना है, तो इस तरीके से तोड़ तोड़ कर मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो एक साथ मिक्सी को मत चलाइएगा, थोड़ा सा चलाएंगे फिर बंद करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे फिर बंद करेंगे, इस तरीके से करते हुए पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस जाती है, यानी कि रुक रुक कर आपको पीसना है। और ये देखिए फ्रेंड्स पीस कर तैयार हो गया है। अब बचे हुए घी में हम सारे मिश्रण को डालेंगे दाल वाले और इसे भून लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे सिर्फ 2 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने पहले इसे फ्राई किया था। तो हम बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनाने वाले हैं, तो ज़्यादा देर तक हमें इसे भूनना नहीं है। इस तरीके से देखिए जल्दी जल्दी से हम इसे पहले भून लेते हैं। और इन लड्डुओं को फ्रेंड्स बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान है इसे बनाना। और जब हम भोग के लिए बनाते हैं तो वैसे भी हम सोचते हैं कि कोई शुद्ध चीज़ बनाएं अपने घर पे, तो शुद्ध देसी घी में इसे बनाकर तैयार करिए। और आप चाहे जितना ढेर सारा भी बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाइए। और एक बार में आप जिसे भी खिलाएंगे वो जान ही नहीं पाएगा कि आपने इन लड्डुओं को कैसे तैयार किया है। तो देखिए हमने इस तरीके से भून लिया है इसे, और बहुत अच्छे से ये भून भी गया है।
तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स चाशनी बनानी होगी, तो जितना आपने दाल लिया था उसका आधा आप चीनी ले सकते हैं और उसका आधा पानी ले सकते हैं, तो कटोरी से आप नाप लीजिएगा। तो हमने चाशनी नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास बालूशाही की चाशनी रखी हुई थी, हमने अभी जल्दी में बालूशाही बनाया था और उसी की चाशनी रखी हुई है, तो उसी को डाल देंगे इसमें। और चाशनी थोड़ा सा कम भी पड़ गई थी तो हल्का सा और भी डालना पड़ा था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी लगेगा और अच्छे से उबाल आ जाए, कोई भी तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी गल जाए और अच्छे से उबाल आ जाए, बस उसी तरीके से आपको चाशनी बनानी है। यानी कि चीनी को सिर्फ गलाना है पानी में और उसके बाद इसमें डाल देना है और इस तरीके से धीमी आंच पर पकाते रहेंगे, जिससे कि जो मूंग दाल का एक एक दाना है अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमने थोड़ा सा काजू भी कट करके डाल दिया है। आपकी जैसी इच्छा, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इन लड्डू को फ्रेंड्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और जब पूरी तरीके से ये पक जाएगा तब हम उसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे फिर से, यानी कि जो हमने घी में भुना था बस उतना ही घी इसमें लगा है, उतने में फ्राई भी किया। पीसने के बाद फिर से जो दाल वाला मिश्रण मतलब बना था उसको उसी उतने ही घी में हमने भून लिया था, अलग से घी बिल्कुल भी नहीं डाला था। और जब ये बनकर तैयार हो गया तो ऊपर से सिर्फ 2 चम्मच ही घी हमने इसमें डाला था। तो फ्रेंड्स हमारे घर पे अयोध्या से प्रसाद आया था, तो जो लड्डुओं का प्रसाद आता है तो वो लड्डू हमने खाया था। तो जितनी बार मैं खाती जाती उतना मैं सोचती कि कैसे बना है कैसे बना है, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया। तो इस तरीके से हमने मूंग दाल से बनाया और सेम टेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप भी नहीं आ सकते हैं इतनी दूर आप दर्शन करने, तो फिर अपने घर पे इन लड्डुओं को बनाइए और प्रभु श्री राम को अपने घर से ही भोग लगाइए। तो भगवान तो वैसे भी कणकण में रहते हैं फ्रेंड्स, तो आपके भोग को भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। तो आप अपने घर पे इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर बनाएं और प्रभु का भोग लगाएं। और देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी से ये लड्डू तैयार हो गए हैं। तो फिर इधर हम खाना बनाने लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हम रात में वीडियो बना रहे हैं और दिवाली का समय है, काफ़ी काम रहता है तो ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप खाना बना लो और मैं इन लड्डू को बना लेती हूँ। वैसे भी इसमें कुछ करना है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें सिर्फ इस तरीके से लड्डू का शेप ही इसे देना है। तो मैं बना लेती हूँ, आप खाना बना लीजिए। तो मैं उधर खाना बनाने लगी थी तो फिर लड्डू बनाकर मेरी बेटी ने तैयार किया है और आपको दिखाते हैं हम कितनी अच्छी तरीके से लड्डू बनाया है, कितने बड़े बड़े से लड्डू बनाया है। आप चाहे तो छोटे छोटे से बना लीजिए या फिर आप अपने इच्छा अनुसार इसे प्लेट में जमा के इसे कट भी कर सकते हैं। और हमने उसे छोड़ दिया था जैसे उसकी इच्छा, हमने सोचा कि जैसे भी बना लेगी किसी तरीके से बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम हो रहा है घर पे इस समय। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ, बहुत बड़े बड़े से ही बनाया था क्योंकि हम जो प्रसाद आया था उसमें इतने ही बड़े बड़े लड्डू आते हैं। अगर आप कभी भी दर्शन करने आएंगे यहाँ पर अयोध्या में श्री राम प्रभु के दर्शन करने अगर आप आते हैं तो ऐसे ही लड्डू आपको मिलेंगे बड़े बड़े से, सिर्फ उसमें कलर नहीं पड़ा होता है, फूड कलर नहीं पड़ा होता है। लेकिन हमें लगता है फ्रेंड्स कि मूंग दाल से ही बनाया जाता है क्योंकि हमने खाया था, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बिल्कुल जैसे प्रसाद कहा जाता है बस वैसे ही प्रसाद वाला लड्डू भी मिलता है, शुद्ध देसी घी में बनता है और ढेर सारी इलायची भी उसमें रहती है और ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं। तो इलायची हमने अलग से नहीं डाला था क्योंकि जो हमने चाशनी बनाया था उसी चाशनी में इलायची भी थी, तो सारा फ्लेवर पूरा आ रहा था इसमें। और ऊपर से हमने थोड़ा सा मतलब मेरी बेटी ने इसके ऊपर बादाम लगा दिया था, बोला कि बहुत सुंदर लग रहा है, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं लगा देते हैं। और आपको तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे ही आप हाथ में लेंगे तुरंत ये बिखर जाएगा, एक एक दाना अलग हो जाएगा और मुंह में जैसे रखेंगे वो घुल जाएगा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो एक बार फ्रेंड्स ट्राई करना तो बनता है। तो आप भी अपने घर पे इन लड्डुओं को बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी फ्रेंड्स।